हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। हमारा सवाल है के पार्टीशंस। इस सवाल में हमें क्या करना है, हमारे पास में सेम काम है जैसे हमने फ्रेंड्स पेयरिंग में किया था। अगर आपने फ्रेंड्स पेयरिंग नहीं देखा है, अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, तो पहले जाइए और उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन सिर्फ उसका फॉलो अप है। तो अगर आप लोग अभी भी यही हैं, तो इसका मतलब मैं यही समझ रही हूँ कि आपने वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और आप वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं। तो अगर आपने वो वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आपको पता होगा कि फ्रेंड्स पेयरिंग में हमने क्या किया था। जैसे हमारे पास में 1 2 3 था, तो हमने इसकी कॉम्बिनेशंस निकाले थे। लेकिन उसमें क्या था ना, कि उसमें हमने कॉम्बिनेशंस निकाले थे, बट उसमें हमने पेयरिंग का कुछ कंसेप्ट नहीं रखा था। पेयरिंग का कंसेप्ट नहीं रखा था इन द सेंस, अगर उसमें 3 का पेयर बन रहा था तो भी हमने अलाउ किया, 2 का बन रहा था तो भी हमने अलाउ किया। हमारे आंसर में 1 2 3 ये प्रिंट हुआ था तब भी हमने प्रिंट किया, और 1 2 और 3 ऐसे प्रिंट हुआ तब भी हमने प्रिंट किया। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है ना, 1 2 3 के लिए अगर के की वैल्यू हमें 2 दी गई है, तो हमें सिर्फ 2 ये वाले केसेस ही प्रिंट करने हैं जिसमें सिर्फ 2 पेयर हों। चाहे एक पेयर में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, बट पेयर सिर्फ 2 होने चाहिए। कैसे, लाइक 1 2 3, 1 3 2, या फिर और क्या बन सकता है, 1 2 3। ये पेयर्स बने थे हमारे, एक 1 2 3 भी बना था, लेकिन ये वाला हमको इस केस में प्रिंट नहीं करना है। तो के पार्टीशन से समझ में आया होगा आपको कि हमें क्या करना है। हमें के ग्रुप्स दिए गए हैं, ये 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, हमें इतने ही ग्रुप्स में प्रिंट करना है क्या पेयर को, ठीक है। तो एक बार कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं वो देख लेते हैं। प्रिंट यहाँ पे भी हमको सिर्फ कॉम्बिनेशंस ही करने हैं, ध्यान रहे परम्यूटेशन ना बने, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो एक हमारे पास केस आता है। इस केस में क्या है ना, कि n की वैल्यू कम हो k से। अगर ऐसा कोई केस है तो n की वैल्यू, मतलब जैसे 1 2 3 दिया हुआ है, इसके हमें 2 पेयर बनाना है, तो ये तो पॉसिबल है। लेकिन n की वैल्यू कम है k से, मतलब अगर n में हमारे पास में ये 3 एलिमेंट्स दिए, बट हमें बोल दिया कि 5 का पेयर बनाओ, पॉसिबल ही नहीं है भाई। एलिमेंट्स ही 3 है, 5 का पेयर कैसे बना है, 5 ग्रुप कैसे लेकर आएंगे, 1 2 3। अगर ये अलग अलग में भी आते हैं तो भी 3 ही ग्रुप बनेंगे मैक्सिमम, 5 तो बन ही नहीं सकते। तो इस केस में क्या होगा ना, इस केस में हमारे पास में आंसर आ जाएगा 0 0 यहाँ पर आएगा, ठीक है। एक केस आता है हमारे पास में कि हमारे n की वैल्यू k के इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब 1 2 3 के लिए 3 केसेस, 1 2 3, इसके अलावा और कुछ बन ही नहीं सकता, परम्यूटेशन हम क्रिएट कर ही नहीं सकते। तो हमारे पास में यहाँ पे एक ही केस आता है। अब अगर हमारे k की वैल्यू 1 है, जब k 1 है तो हमारे पास में आंसर भी एक ही आएगा। अगर n की वैल्यू 0 है तो फिर आंसर क्या ही आ जाएगा, 0। अगर k की वैल्यू 0 है तो भी हमारे पास में 0 आएगा। तो ये हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही समझने के लिए, ठीक है। और अब जैसे हमारे पास में 1 2 3 है, इसको हमें 2 के पेयर्स में बांटना है, तो हमारे पास में क्या क्या आंसर हो सकते हैं, अभी देखे थे हमने, 1 2 3, 1 मैं ऐसे लिख देती हूँ, ऐसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, 1 2 3 3, 1 2 और 3, 1 3 और 2। सिमिलरली अगर हमारे पास में यहाँ पे गिवन है 1 2 3 4, इसके लिए हम ज़्यादा ग्रुप्स बना सकते हैं, 3 के ग्रुप्स बन जाएंगे,
तीन के ग्रुप्स में कैसे होगा? वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन थ्री, वन थ्री टू फोर, वन फोर टू थ्री, वन टू फोर और थ्री, वन टू थ्री फोर। तो ये कुछ हमारे पास आंसर्स आएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः आंसर आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं ना, हम एक बार ट्री बना के देख लेते हैं इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ट्री बना लेते हैं एक बार हम ट्री बनाते हैं वन टू थ्री के लिए, जिसमें पेयर बनेंगे हमारे दो, ये ब्लैंक और ये ब्लैंक। हमारे पास में दो ब्लैंक पेयर है, दोनों ही ब्लैंक हैं, इनमें अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है। सबसे पहले हम वन के लिए देखते हैं कि वन कितनी बार आएगा। वन या यहाँ पे वन के पास में कोई ज़्यादा चॉइस तो है नहीं, या तो वन इस वाले सेट में आ सकता है या फिर इस वाले सेट में आ सकता है, दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट है, सॉरी नॉन एम्प्टी नहीं, दोनों ही एम्प्टी सेट है। तो या तो इधर आएगा या इधर आएगा। अब ये बात सुनने की है, समझने की है, सिर्फ यही आएगा, वन यहाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर वन यहाँ आया तो परम्यूटेशंस क्रिएट हो जाएंगी और हमें परम्यूटेशंस क्रिएट ही नहीं करनी, ठीक है? तो वन कहाँ आएगा? वन सिर्फ यहाँ आएगा, वन और ये डैश, ठीक है। अब आगे हमारे पास में टू के लिए फैसला करना है। टू के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, टू दो जगह आ सकता है, टू चाहे तो वन के साथ में भी आ सकता है और टू चाहे तो अलग नए सेट में भी शामिल हो सकता है, अपना खुद का एक नया सेट बना सकता है। ऐसे यहाँ पे थ्री के पास में फिर से दो ऑप्शन है, थ्री चाहे तो यहाँ पे वन टू के साथ में आ सकता है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेट है, या फिर अपना एक नया सेट बना सकता है। यहाँ पे भी थ्री के पास में दो ऑप्शन है, यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन में या तो वो वन के साथ में आ सकता है, दोनों ही ऑप्शन में उसको किसी ना किसी नॉन एम्प्टी सेट में जाना है, तो या तो वो वन के साथ चला जाए या थ्री टू के साथ चला जाए। तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर्स आ गए हैं, एक दो तीन। ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो ये वाला सेट है ये खाली है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ वो रिटर्न करना है जहाँ पे दोनों सेट भरे हुए हों, क्योंकि हमें k की वैल्यू 2 गिवन थी, तो दोनों सेट हमें भरे हुए चाहिए, हमें खाली सेट नहीं चाहिए, ठीक है? तो समझ में आया होगा आपको कि हमें क्या करना है। अब एक बार कोड कर लें, कोड करके देख लेते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हम एक लूप चलाएंगे, int i n k, i हमारे एलिमेंट्स, n हमें कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, k हमें कितने ग्रुप्स बनाने हैं, RSSF क्या है, रिजल्ट सबसेट, सो रिजल्ट सेट सो फार। तो इसमें हमारे जो भी रिजल्ट आएगा वो ऐड होता जाएगा और ये हमें आंसर का वेक्टर रिटर्न करना है, प्रिंट करवाना है, ठीक है? तो यहाँ पे ले लेते हैं हम j, int j इज इक्वल्स टू ज़ीरो, j इज लेस देन आंसर डॉट साइज। आंसर डॉट साइज क्यों? क्योंकि जितना हमारा आंसर का साइज होगा हमें वहाँ तक तो लूप चलाना ही पड़ेगा। जे प्लस प्लस, ठीक है। अब इसमें ना हमारे पास में दो कंडीशंस हैं, ये देखो। अच्छा मैंने यहाँ पे, हाँ ठीक है, हमारा जो सेट है एलिमेंट चाहे
तो भरे हुए सेट में जा सकता है और एलिमेंट चाहे तो खाली सेट में भी जा सकता है। तो हमें दोनों कंडीशंस देखनी पड़ेगी कि जो हमारा आंसर का साइज है क्या वो ज़ीरो है, अगर ज़ीरो है तो कुछ अलग काम करेंगे और अगर नहीं है तो कुछ अलग काम करेंगे। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या हमारे आंसर का साइज़ ज़ीरो के इक्वल है। अगर है तो हम क्या करेंगे, हम आंसर में जे ऐड करके उसको पुश करवा देंगे, उसमें पुश करवा देंगे आई। ठीक है, अब हम कॉल लगा देंगे हमारे फंक्शन को और उसमें पास कर देंगे आई प्लस वन, एन ऐसा ही रहेगा, के ऐसा ही रहेगा और आरएसएसएफ में एक आंसर ऐड हो जाएगा क्योंकि आरएसएसएफ का काउंट बढ़ जाएगा। आरएसएसएफ सिर्फ काउंट को अपने काउंट देखने के लिए है कि हमने कितने उसमें आंसर ऐड किए, तो यहाँ पे हमें एक आंसर मिलेगा तो ये आरएसएसएफ बढ़ जाएगा। अब जो हमारा आंसर जे है, हमें वापस बैक ट्रैक भी तो करना है, जे डॉट इरेज आंसर जे डॉट बिगिन प्लस आंसर जे डॉट साइज माइनस वन। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया। अगर हमारा जो आंसर का साइज़ है वो ज़ीरो है, मतलब कोई उसमें अगर कोई उसमें एम्प्टी सेट प्रेजेंट है तो एम्प्टी सेट में जाके ऐड हो जाओ और सेट का काउंट बढ़ा दो। ठीक है, अब एल्स में हमारे पास में क्या बचा कि अगर हमारे जो आंसर का साइज़ है वो ज़ीरो नहीं है, यानी कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, यहाँ से एज इट इज़ सेम काम होगा, एलिमेंट उसमें ऐड होगा, बस ये जो आरएसएसएफ है ये नहीं बढ़ेगा, यहाँ से प्लस वन हट जाएगा। ठीक है, अब एंड में आके हम क्या करेंगे, हमें बस बेस केस सोचना है। बेस केस हमारा क्या है, अगर हमारा आई बड़ा है एन से तो बस हमारा बेस केस हिट हो जाएगा। अब इसमें अंदर आके हमें क्या चेक करना है, देखो यहाँ पे अंदर आके हम चेक करेंगे क्या जो हमारे आंसर का साइज़ है, मतलब जो हमारे आरएसएसएफ आया है, अगर वो टू के इक्वल है, आरएसएसएफ में क्या यही तो प्रिंट वो हो रहा है, काउंट ही तो इंक्रीज हो रहा है कि अगर हमारे पास में दो आंसर आए हैं, दो पेयर आए हैं, तो आरएसएसएफ का काउंट होगा टू और हमारे के का काउंट है टू। तो अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब हमारे पास में दो दो आंसर हैं, दो दो पेयर हैं, लेकिन इस केस में आरएसएसएफ की वैल्यू होगी वन, तो वन टू के इक्वल है ही नहीं। जब वन टू के इक्वल नहीं है तो हमें ये वाला आंसर प्रिंट भी नहीं, और हमें ये वाला आंसर प्रिंट भी नहीं करना है। तो हम यहाँ पर आके क्या चेक करेंगे कि क्या हमारा आरएसएसएफ इक्वल है किसके, के के। अगर इक्वल है तो हम प्रिंट करवा देंगे अपना आंसर। और मैं यहाँ पे काउंटर ले रही हूँ, काउंटर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ये वन टू थ्री ये नंबर्स चाहिए और इसलिए मैंने यहाँ पे काउंटर लिया है जो कि ये वन टू थ्री प्रिंट करने के काम आएगा, काउंटर, और इसमें आ जाएगा डॉट। काउंटर को बढ़ा देंगे, काउंटर प्लस प्लस। अब कुछ नहीं, हमें आंसर ही तो प्रिंट करना है, बस फॉर इंट टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, टी इज लेस देन आंसर डॉट साइज टी प्लस प्लस। ठीक है, सी आउट, ये हमारा
यहाँ पे फॉर्मेटिंग है आंसर प्रिंट करवाने के लिए, तो इस फॉर्मेटिंग का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको फॉर्मेटिंग को ध्यान में रखते हुए ही आंसर प्रिंट करवाएंगे। फॉर इंट यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यू इज लेस देन आंसर टी डॉट साइज एंड यू प्लस प्लस, ठीक है। इफ यू इज इक्वल्स टू आंसर टी डॉट साइज माइनस वन, तो प्रिंट कर दो हमारा आंसर टी यू टी यू, नहीं तो एल्स सी आउट आंसर टी यू कॉमा, सी आउट ब्रैकेट बंद और यहाँ पर आके सी आउट एंड डन नेक्स्ट लाइन, और बाहर आके रिटर्न, ठीक है। तो रन करके देख लेते हैं, एरर आ रही है, ये हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर से रन करते हैं, सक्सेसफुल सबमिट करके देखते हैं क्या हमारे सभी नहीं हो रहे हैं पास। प्रिंटिंग में कोई दिक्कत हुई है शायद, ये लाइन कंट्रोल एक्स, अब रन करके देखते हैं, सबमिट करते हैं, अभी भी फेल हो रहे हैं। हमें ना एक कंडीशन भूल गए, यहाँ पे ब्रेक भी लगाना है। अब रन करके देखते हैं, आउटपुट नहीं आ रहा है, क्या आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है। अरे यार, हमने यहाँ पे क्या गलती करी, देखिए आंसर जे, हमने ये तो बताया ही नहीं किसका कौन सा आंसर। अब रन करते हैं और अब बिल्कुल सही आ रहा है, अभी भी टेस्ट के अच्छा ओके। हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है, ठीक है। अब सबमिट करते हैं, सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, तो आई होप आपको समझ में आया होगा हमने क्या गलती करी थी जिस वजह से हमारा आंसर प्रिंट नहीं हो रहा था। तो फिर से बोलूँगी, इस सवाल को करने से पहले फ्रेंड्स पेयरिंग ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सवाल में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।